निर्मला काकी, निर्मला काकी, निर्मला काकी, निर्मला काकी, काकी कहाँ हो? ए, तुम्हें कितनी बार कहा था भूत की तरह सामने आके डराना नहीं। वैसे अंदर काम करते वक्त मेन डोर बंद रखना चाहिए था ना? मैं भूल गई थी। अगर कोई चोर वोर आ गया तो? अब साहब आते ही होंगे। तुमने खाना तैयार किया? हाँ तैयार है। टेबल पर रखो और तुम जाओ। आइंदा फ्रिज का दरवाजा खुला दिखा तो देख लेना। हजार अपने छह महीने की तनख्वाह भी इतनी नहीं होगी। चलो चलते हैं। वो देख आखिरी बॉल बची है, चल वो भी देख लेते हैं। आखिरी बॉल छह गुना ज्यादा, आखिरी बॉल छह गुना, आखिरी बॉल है और छह रन। बैटिंग कर रहे हैं हरभजन सिंह, अब तो पक्का हारेंगे। छह गुना ज्यादा, सोच अगर जीत गए तो क्या होगा। अरे बॉस 3 लाख। 3 लाख? हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं खेल रहा है, सब बेवकूफ है। देखना हमारे जीतने के बाद सब रोएंगे। और हार गया तो सवाल ही नहीं उठता। आज तारीख क्या है? 15। 1 + 5 कितना? 6। हरभजन की डेट ऑफ बर्थ? June 24। अब बता 2 + 4 कितना हुआ? 6। अब उसे कौन सी बॉल खेलनी है? 6th बॉल। इंडिया कितने रन में जीतेगी? 6 रन्स। इंडिया की जीत से हमें कितना मिलेगा? 6 टाइम्स। हरभजन की कॉम? 6। इंग्लिश में क्या हुआ? 6। लेकिन ये नंबर थोड़ी है। नंबर होना जरूरी नहीं, बोलने में तो एक सा है ना। एक ही नंबर इतनी बार मिले तो क्या कहते बता? कुछ भी कहूंगा तो गलत ही होगा, तू ही बता। न्यूमरोलॉजी कहते हैं, पता नहीं कहां कहां से गवार आ जाते हैं। आखिरी बॉल डाल रहा है, देख देखना हम ही जीतेंगे। हरभजन सिंह का बर्थडे 3rd July 1980। इट हैपेंस। व्हाट हैपेंस? चल अब चलते। ओए 3 लाख बोला था ना, ये तो 1,20,000 है। बाकी खाते में लिख ले। किसके खाते में? मुझसे सवाल पूछ रहा है, जानता है किससे बात कर रहा है? नहीं जानता। ए बता किससे बात कर रहा है ये? तुमसे। इस घोचू को कुछ पता नहीं, बता कौन हूँ मैं। सर आप इन्हीं से बात कर रहे हैं ना? क्यों बे, बहुत मजाक सूझ रहा है। आनंद कहाँ हो तुम? आनंद 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 कौन सा डिपार्टमेंट? टास्क फोर्स। बाकी का पैसा चुका के अपनी बंदूकें ले जाना। ए बाहर निकाल इनको। पागल साले, पुलिस वाले से बंदूक छीनता है साले, तेरी तो वाट लगा दूंगा। सर
डिटेल्स बताओ। रात को 9:30 बजे जिम से घर आई, 9:30 से 10:30 के बीच में ये मजा हुआ। उस वक्त घर में और कौन कौन था? एक काम वाली बाई, उसके अलावा कोई नहीं। घर से कैश या कुछ और मिसिंग है? कुछ भी मिसिंग नहीं, सिवाय उस लड़की के बाई आँख के। क्या? उस लड़की का खून करके उसकी बाई आँख लेके चला गया। लाश कहाँ? इतनी खूबसूरत लड़की को मार दिया। कोई सबूत? ये एक ही सबूत है जो उस लड़की की बॉडी पर था। अच्छा, मथुरा नगर में भी ऐसे ही? हाँ सर, ऐसे ही एक गुलाब ऐसे ही मारा था। उस लाश का भी एक अंग गायब था सर। अंदर जाने दो मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते। रुकिए, चिल्लाना बंद कीजिए। छोड़ो मुझे, नहीं जा सकते। अंदर जाने दो मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते। ये कौन है? ये उसका पति है। लाश को आपने आखिरी बार कब देखा था? वो लाश नहीं है, उसका नाम तुलसी है, मेरी बीवी है वो। सॉरी, प्लीज शांति। क्या शांति रखिए, क्या शांति रखिए, मेरी बीवी थी वो। चलो सर, असल में हुआ क्या है? ये बताओ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? खून हुआ इसलिए। किसका खून हुआ है सर? एक और सर, ये खून हुआ कैसे? पता नहीं सर। क्या ये कोई बलात्कार का मामला है? पता नहीं। पता नहीं क्या मरने वाले के साथ बलात्कार हुआ? पता नहीं, मैंने कभी नहीं किया। क्या आपने कभी किया है? हेलो आनंद जी, क्या आप बताएंगे कि ये खून किसने किया होगा? पता नहीं। हर सवाल का जवाब पता नहीं, आखिर आपको पता क्या है? पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके, तो देखा आपने, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर का लापरवाही और आलसीपन से भरा जवाब। इस समाज में एक आम इंसान की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं। किटी एन टीवी से। रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स। बैठिए मैडम। अनसुईया। जोसेफ अंकल। यस। हाय। तुम्हारा इंतजार करते करते 4 कप कॉफी पी ली अब तक। तुम्हारी ट्रेन लेट थी क्या? हाँ अंकल, 2 घंटे लेट थी। ठीक है ठीक है, चलो अंदर चलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी वार्डन राजेश्वरी कैसी है? वो ठीक है अंकल। गुड गुड। तुम्हारा इंटरव्यू कितने बजे? 9 बजे। अरे जल्दी करो, टाइम नहीं है। वो सामने तुम्हारा बेडरूम है, जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। ठीक है। अनसुईया, डबल ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी। घर का नाम ब्लैंक, एड्रेस ब्रह्म कुमारी समाज, विजयवाड़ा। एप्लीकेशन भी ठीक से भरना नहीं आता। सर मेरे आगे पीछे कोई नाम नहीं है। ब्रह्म कुमारी समाज एक अनाथ आश्रम है, मैं एक अनाथ हूँ सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे इस दुनिया को तो कोई भी देख सकता है, लेकिन उसमें छुपी सच्चाई को सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही देख सकता है। एक बार आंख बंद करो। क्या? प्लीज क्लोज योर आईज। ओके। तुम्हें इस कमरे में आके 5 मिनट हो गए। इस कमरे में क्या क्या चीजें बता सकती हैं? 3 टेलीफोन्स, 2 ब्लैक, 1 व्हाइट, 1 पैनासोनिक फैक्स मशीन। टेबल के ऊपर 5 मैगजीन्स हैं, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग इन केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टुडे, इंडिया टुडे और रीडर्स डाइजेस्ट। आपके सामने एनटीवी फाइल्स, 5 पेंसिल्स, 2 शार्पन, 3 नॉन शार्पन, 1 ऐश ट्रे पॉट शेप में, 1 किनले वाटर बॉटल और सिगरेट्स और सिल्वर कलर लाइटर और 6 बीटा टेप्स। नहीं, ओके ओके, सॉरी 5 बीटा टेप्स। मेरे पीछे 20 से 25 ओनिडा फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन, एक रिमोट कंट्रोल भी है, एक व्यूसोनिक कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड के साथ सेलफोन, बहुत ही क्यूट छोटा सा कुर्सी पे रखा हुआ। ये सब टेबल के दाईं तरफ रहने की वजह से आप डेफिनेटली लेफ्टी होंगे ना सर, करेक्ट? और एक ब्लैक कॉफी मग, उसमें मस्त कॉफी ब्रू है शायद। नो, तुमने सही कहा, ये ब्रू है। ये कॉफी नहीं है, ये बू कैसी है? आपके पॉकेट में पेन लीक हो रहा है, जल्दी निकालिए वरना शर्ट खराब हो जाएगी। अरे, ब्रिलियंट, तुमने साइकोलॉजी में तो डिग्री हासिल कर ली है, अब मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी बता सकती हो? सही वक्त पर शादी की होती तो मेरी जितनी बड़ी बेटी होती, यही सोच रहे हैं ना? तुम्हें कैसे पता मेरी शादी नहीं हुई? आपकी शर्ट का 3rd बटन नहीं है। अरे हाँ? अगर आपकी शादी हुई होती तो आपकी बीवी आपको ऐसी बिना बटन वाली शर्ट नहीं पहनने देती। वो भी एक्सक्यूज मी सर, बुलेटिन का वक्त हो गया है, टेलीप्रॉम्प्टर में फीड करने से पहले एक बार हेडलाइन सुन लीजिए। कौन है, कौन पे तू? तू मुझे सुनाएगा कि आज की हेडलाइंस क्या है? लेकिन तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? अच्छा चल, तुझे बता देता हूँ।
द ग्रेट चक्रवर्ती, दूरदर्शन से पहले मैं पैदा हुआ हूँ। इस स्टेट का नंबर वन रिपोर्टर हूँ मैं। कब से पता है? ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से, समझा? पता नहीं था सर, क्योंकि मेरे घर में कलर टीवी है। ए, ये कौन है बे? हाँ सर, क्या हुआ सर? ए, कौन है ये? अपना प्रसाद कहाँ है? वो ऑफिस नहीं आया सर। क्यों? लूज मोशन। लूज मोशन हुए तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं है? बेवकूफ, अंडरकवर रिपोर्टर लता को बुला, उसे भेज दो। वो भी नहीं आई सर। अब वो क्यों नहीं आई? कभी सेम प्रॉब्लम, लूज मोशंस। ये हो क्या रहा है? ऑफिस में सबको एक साथ लूज मोशंस हो गए? सबको नहीं सर, कल रात जो भी आपकी पार्टी में गए थे उनको प्रॉब्लम है। अबे तू क्यों दांत दिखा रहा है बे? साले तेरे को बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। ए चक्रवर्ती, टेंशन क्यों है भाई? कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। कुछ नहीं सर, वो अंडरकवर रिपोर्टर लता आज ऑफिस नहीं आई है सर। हम पिछले एक हफ्ते से लगातार यही दिखाए जा रहे हैं कि हम एक नेता की पोल खोलने वाले हैं। अब आखिरी वक्त पर लता गायब है, अब आप ही बताइए क्या करें। इस लड़के को भेजो। ये कौन है सर? हमारी नई अंडरकवर रिपोर्टर, आज ही ज्वाइन किया, नाम अनुसुईया। हाय। हेलो अनुसुईया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्या नाम बताया इन्होंने? अनुसुईया। अनुसुईया, नाम तो ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन देखने में प्लाज्मा टीवी जैसी हो। Excuse me? It's all right. By the way, क्या आप NDTV की नंदिता रॉय को जानती है? जानती हूँ। स्टार न्यूज की चित्रा को? जानती हूँ। 24/7 की रंजिता को? जानती हूँ। हाँ, good. Times Now की रीना जैन को? हाँ, जानती हूँ। लेकिन आप इन सबको जानते हैं? जानता हूँ। ये सभी लोग मेरे अंडर काम करते थे। एक जमाना था जब हम लोग बहुत क्लोज हुआ करते थे, और आज देखो वो कहाँ पहुँच गए। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो सब आपके अंडर थे इसलिए वहाँ तक पहुँच गए। Exactly. लेकिन आप तो यहीं के यहीं रह गए। एक बात बताइए, मैं भी आपके अंडर इतने सालों से काम कर रहा हूँ फिर भी यहीं अटका हुआ हूँ। तू लड़की नहीं है इसलिए। केटी, ये अनुसुईया है। Hi. Hi. Welcome to NTV. Thank you. केटी, तुम्हें असाइनमेंट के बारे में बताएगी। Okay? Thanks. हमारे होम मिनिस्टर की पत्नी ने अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद लिया था, पर अब वो उसे टॉर्चर कर रही है और हम इसी घटना को लाइव एक्सपोज करने वाले हैं। ठीक 10:30 बजे होम मिनिस्टर अपने घर से निकलेगा। ठीक 11:15 बजे हम होम मिनिस्टर की बीवी का इंटरव्यू लेंगे। हम उसे ये बताएंगे कि हम स्वाति मैगजीन से हैं। बैग में ये सीक्रेट कैमरा फिक्स कर देता हूँ। मैडम, ए मिस्टर, आप नहीं जानते कि लेडीज बैग को चेक नहीं करते? जस्ट जोकिंग, चेक कर लीजिए। जाइए। इस ब्रेक के बाद पिछले एक हफ्ते से आप जिस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है नेता की पोल खोल, वो इस ब्रेक के बाद आपके सामने लाइव होगा। हाँ ठीक है ठीक है, चल अब बाद में फोन कर। हेलो मैम, स्वाति मैगजीन से आई लौंडिया तो ही है क्या? जी मैम। आ जा, बैठ जा। जो कुछ भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ और फूट ले। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी चिकन बिरयानी बनाती हैं। जरा मुझे रेसिपी बताएंगी? क्या एसपी? एसपी नहीं मैम, रेसिपी। मतलब बनाने का तरीका? अरे बाप रे, इसका मतलब मेरी बिरयानी पूरे देश में मशहूर हो जाएगी। तू यकीन नहीं करेगी, वैसे मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना तो जो भी खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। जब भी मेरे आदमी दिल्ली जाते हैं ना तो पीएम साहब पहले मेरी बिरयानी के बारे में ही पूछते हैं। थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? सिर्फ पानी से क्या होगा, इतनी गर्मी से आई है, लस्सी पी, ठंडी लस्सी। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, कहाँ मर गई, जल्दी आ। गेट रेडी। फ्रिज में मीठा दूध रखा है, जा जाके ले आ। लस्सी बोलूंगी तो इसे समझ नहीं आएगा ना। अच्छा तेरी शादी हो गई है, आदमी क्या करता है तेरा? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है, जा जाके दे दे, चल। क्या किया नाक पे की ग्लास तोड़ दिया तूने। मीटिंग कितने बजे है? 11 बजे सर। वो तो ठीक है, वो कोई NTV या कोई तो चैनल है, किसी नेता का पर्दाफाश करने वाले हैं, वो आज ही है ना? हाँ आज ही है सर। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी टीवी चालू करो। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, काम चोर कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे मैं। अपनी बीवी है, अपनी है, सॉरी। जब देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। हेलो हेलो, अरे क्या कर रही हो तुम, मेरी बात सुनो। मुझे बहुत ही काम है, बाद में फोन करो। अरे फोन पटक दिया। आज तेरी हड्डी पसली एक करके रहोगी, काम चोर कही की, अभी बताती हूँ तुझे, काम नहीं करेगी, क्लास छोड़ेगी। हेलो, मेरी बात सुन बेवकूफ, ये जो तू कर रही है वो सारा टीवी पे लाइव आ रहा है। क्या कहा? अरे तुम ये मेरी क्या बात रहे हो? तुम टीवी ऑन करो और देखो क्या हो रहा है, बेवकूफ औरत। अरे क्या है, किसको लिया तुम घर में, पूरा कैमरा लगा हुआ है और सब कुछ नजर आ रहा है टीवी पर लाइव। अनुसूया को फौरन बाहर निकलने के लिए, पूरी दुनिया देख रही है। बेवकूफ औरत कौन है तेरे सामने?
अनुसुया, मुझे तुम पर नाज है। थैंक यू सर। बाल कर्मचारी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के लिए सीएम अपना दिल्ली प्रोग्राम कैंसिल करके शाम को लेबर मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने वाले। वाओ। तुम्हारे छोटे से एक्शन पर सरकार का बड़ा रिएक्शन। कीप इट अप। थैंक यू सर। किटी? जी सर। शाम के बुलेटिन में हम लोग ये। क्या बात है, लेकिन पहले दिन स्टार बनके हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, तुम्हारे सामने एक सुपरस्टार भी है। अच्छा, शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है। चलो बता देता हूँ, दूरदर्शन से पहले मैं पैदा हुआ था। वाओ, आप दूरदर्शन से पहले पैदा हुए थे? हाँ बिल्कुल। बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अंकल बोल के गई मुझे। और नहीं तो क्या, दूरदर्शन से पहले पैदा होने वाले को और क्या कहेंगे। ये लड़की तो दोस्ती करने के लायक नहीं है। अगर आपको दोस्ती करने का इतना ही मन करना है तो मुझसे कर लीजिए। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं मर्दों के साथ दोस्ती नहीं करता। आनंद, मुझे नहीं लगता वो लड़की तेरे साथ कॉफी के लिए जाएगी। ए, तुझे लेडी साइकोलॉजी पता नहीं है। लड़कियों का हाँ मतलब ना और ना मतलब हाँ होता है। वो मुझे देखते ही सॉरी कहेगी। मैं भी उसे कोई बात नहीं कह के कॉफी के लिए कहूंगा। पहले मना करेगी, फिर मनाऊंगा तो मान जाएगी। ये है लेडी साइकोलॉजी। बाप रे, इस बार तेरी साइकोलॉजी के चक्कर में पीटेंगे। बेटा, न्यूमरोलॉजी फेल हो सकती है, लेकिन लेडी साइकोलॉजी ना कभी फेल हुई है ना कभी होगी। क्या पता, पिछली बार न्यूमरोलॉजी के चक्कर में हमने अपनी बंदूकें गंवा दी। पता नहीं इस चक्कर में हम क्या गंवाएंगे। तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। ये क्या है? छिलका। जाकर कचरे के डब्बे में डालना। तू किससे बात कर रहा है पता है तुझे? टास्क फोर्स, तेरा छिलका निकाल दूंगा। ए, तू टास्क फोर्स का हो कि एयर फोर्स का, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। चल जल्दी से इसको कचरे के डब्बे में डाल। ए, चल निकलना, काई को दिमाग खा रहा है। ए, देखो आ गई, चल जल्दी छिलका फेंक। फेंक एक्सक्यूज मी। ए, हाथ मत लगा। रिलैक्स रिलैक्स। अरे पास आया तो इससे तेरा सिर फोड़ दूंगी। सुनो, एक पुलिस ऑफिसर का हाथ काटने का मतलब जानती हो? मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। पहले ये बता, तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अगर उस वक्त मेरे हाथ में ये पत्थर होता ना, तो तेरा सिर फोड़ देती मैं। रिलैक्स, अगर मेरे साथ एक कप कॉफी पियोगी तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एक कप कॉफी के बहाने तुम गाड़ी में बिठाकर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओगे ना? अगर तुमने ऐसा सोचा भी ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। आप इन्हें पत्थर से मारेंगी? वो भी इतने छोटे पत्थर से? ये लीजिए, इससे मारेंगी तो कम से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहेगा। चलिए मारिए। बेवकूफ कहीं का। ए रुको, अगर चुपचाप नहीं चलोगी तो अरेस्ट करके कॉफी पिलाने ले जाऊंगा। वो लड़की है या चुड़ैल? अच्छी खासी सेटिंग कर रहा था, कबाब में हड्डी आ गया। इससे एक बात तो साफ हो गई है, न्यूमरोलॉजी की वजह से बंदूक गवाते हैं और साइकोलॉजी की वजह से पिटाई होती है। अच्छा, ये जानने के लिए उसे इतना बड़ा पत्थर दे दिया? तूने तो कहा था कि लड़कियों के हर बात का मतलब उल्टा होता है। मारेगी मतलब वो नहीं मारने वाली है। अच्छा सुनिए। हाँ? अंकल कहाँ है? ऊपर है। अंकल। हाँ आओ बेटी आओ। राजेश्वरी आंटी 3 बार फोन कर चुकी हैं अब तक। तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं? मुझे नौकरी मिल गई है अंकल। आई गॉट द जॉब। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल, मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो बेटा। 2 दिन में मैं अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगी। तब तक मैं, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ रह सकती हूँ प्लीज? कहीं और किस लिए बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेला ही तो रहता हूँ ना। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो यहीं रह सकती हो, ऑफिस भी नजदीक रहेगा। बट वन कंडीशन, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो, लेकिन जब भी तुम्हारे पास खाली वक्त हो मेरे पास आकर मेरे साथ गप्पें लड़ानी होंगी। ओके डन। गुड गुड, जाओ, थक गई होगी, जाकर आराम कर लो बेटी। ओके अंकल, बाय बाय। अनाथ बच्ची को उत्पीड़ित करने के जुर्म के बारे में होम मिनिस्टर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमने किसी बच्ची को गोद नहीं लिया। तो वो टीवी पे बच्ची कौन थी? हमारे घर के सामने भीख मांग रही थी तो हमने इंसानियत के नाते उसे अपना लिया।
अपनाने का मतलब हिंसा करना है क्या? अरे क्या बकवास कर रहे हो, घर की लड़की से काम करवाना हिंसा है क्या? और कभी उसने गलती की तो इस बात पर उसे डांटना हिंसा है क्या? इस घटना पर आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँगा, अब तुम टीवी वालों को कहना। अच्छा खासा घर में खाती पीती बच्ची को तुम लोग सड़क पर घसीट लाए हो ना, अब तुम लोग ही देखो उस बच्ची को। मैं कुछ नहीं कहने वाला। चलो चलो हटो, पीछे हटो। अरे जाने दो मुझे, चलो जाओ। आजकल के इस जमाने में ऐसे अनाथ बच्चों की दुखी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। बेटी तुमने खाना खाया या नहीं? तुम्हें बहुत मारते थे क्या? तुम्हारे माँ बाप हैं या मर गए? क्या तुम्हें होम मिनिस्टर ने पैसे देकर खरीदा? बताओ, बताओ बेटा, उन्होंने तुम्हें मारा? क्या किया तुम्हारे साथ? घबराओ मत बेटा, बताओ हमें। हाँ बेटा। अरे अरे सुनो, चाइल्ड लेबर को मिटाने के लिए सरकार ने भरसक कोशिश की। सरकार की इस नीति का पालन करना हमारी भी जिम्मेदारी है। क्या उस मासूम बच्ची लक्ष्मी को इंसाफ मिल पाएगा? रोज गाली सुनते सुनते और मार खाते खाते लक्ष्मी की जिंदगी नरक हो चुकी थी। अब जब उस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया गया है तो क्या वो बच्ची अकेले अपना गुजारा कर पाएगी? क्या हम जैसे नागरिक उस मासूम बच्ची की मदद कर पाएंगे? इन सब बातों पर हम सभी को विचार करना होगा। ये थी मासूम लक्ष्मी की कहानी। मार खाएगी, चल भाग यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेज दिया। तो यहाँ क्यों आई? किसी सड़क पे जाके भीख मांग लेना था ना, और अगर भीख भी नहीं मिलती तो किसी ट्रेन के नीचे जाकर मर जाना। लेकिन यहाँ नहीं आना, समझी? एक बार कहा ना, निकलो यहाँ से। वापिस आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, चल भाग यहाँ से। भूख लगी है मैडम, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी मैडम। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, चार दिन ऐसे ही भूखी रहेगी ना तो अपने आप भीख मांग के खाना आ जाएगा। चल दिखाओ, चलो चलो सब अंदर चलो। तो चलो अंदर, सुनाई नहीं देता। मेरी बात सुनिए मैडम, मैडम मैडम दरवाजा खोलिए ना मैडम, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैडम मुझे अंदर आने दीजिए ना, मेरा कोई भी नहीं है। फिर से अगर तूने दरवाजा खटखटाया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी? निकल। केला चोरी करती है, शर्म नहीं आती तुझे? केला चोरी करती है, केला चोरी तुझे, चोर। क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। I'm sorry. आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही मार खानी पड़ेगी। यहां तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस? मेरी कसम। तुम्हारी कसम? मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आज से हम दोनों दोस्त हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें नाम से बुलाऊंगी, और तुम भी मुझे नाम से बुलाना, ओके? आपका नाम क्या है? अनुसुईया। चलो चले।
ఆమేగం కరిగెను కరిగెను ఆనందం చిటపట చినుకై చిందులు వేస్తుంటే ముందుచ్చే బుడి బుడి నడకలు మురిపించే కిలకిల నవ్వులు నీ బాల్యం గుర్తొస్తుంద తననే చూస్తుంటే ఆ దేవుడు వేసిన బంధం మీ ఇద్దరి దంటావా నీ ఒడినే ఊయల చేసి చూలనే పాడవా ఆకాశం మెరిసెను మెరిసెను ఆమేఘం కరిగెను కరిగెను ఆనందం చిటపట చినుకై చిందులు వేస్తుంటే कॉफी तो बनाओ मैं एक झपकी ले रोज लूंगा। अलार्म अपने लिए लगाते हो उठना मुझे पड़ता है जाके उन्हें खाना दीजिए ना आज के दिन तुम ही दे दो ना रोज का यही नाटक है सुधरोगे नहीं Thank you.
ये यहाँ भी आ गया। एक बात बता, मीडिया वाले हमसे पहले कैसे आ जाते हैं? क्योंकि आजकल हमसे पहले खबर इनके पास पहुँच जाती है। सर, आप रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं। ये सब घटना हमारे साथ आए दिन होती जा रही है। आखिर शहर में सिक्योरिटी का मामला क्या है? लाश कहाँ है? वहाँ सर। बाहर निकालो। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, यह हादसा कैसे हुआ? पता नहीं। क्या कोई सबूत मिला? पता नहीं। हाल ही में जो खून हुए हैं सब एक ही इंसान ने किए हैं? पता नहीं। आपको पता नहीं के अलावा भी कुछ पता है? अब पता नहीं। क्या आप लोगों से झूठ बोल दूं? जो है वो मैंने बता दिया। सॉरी, मुझे जाना। कहां का नहीं पता। बदतमीज। अच्छा सुनो, दोपहर की न्यूज के लिए फुटेज तैयार है ना? नहीं सर, कल रात की मर्डर फुटेज का इंतजार कर रहा हूँ। मर्डर फुटेज अब तक नहीं आया? और किटी अब तक क्यों नहीं आई? कहाँ थी तुम? मर्डर फुटेज लाई? सर, हमें बॉडी का एक शॉट भी नहीं मिला। साउंड बाइट के लिए भी हमने टास्क फोर्स ऑफिसर आनंद से कई सवाल पूछे, पर लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अनुसूया कहाँ है? मार्च 18, मथुरा नगर में झांसी नाम की एक औरत का खून हुआ था। लाश वाटर टैंक में पाई गई। उस लाश में लिवर मिसिंग। April 4, जुबली हिल्स में एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी का वैशी तरीके से खून होता है। उस लाश में एक आंख गायब थी। और कल सुबह एक पोल्ट्री फार्म ओनर की पत्नी का खून हुआ था और लाश में से एक किडनी गायब थी। कुछ दिनों से ये खून का सिलसिला चलता आ रहा है। ये हत्याएं पैसे या हीरे जवाहरात के लिए नहीं हो रही हैं। इन तीनों औरतों में से किसी का भी बलात्कार नहीं किया गया। इससे तीन चीजें सामने आई हैं। एक, जिनकी हत्याएं हुई वो सब औरतें ही हैं। उन लाशों में से एक अंग गायब होता है और हर लाश के पास एक गुलाब पाया जाता है। इस केस की तहकीकात करने के लिए मुझे दो स्पेशल टीम्स की जरूरत है। मिस्टर भास्कर, शहर में कौन सी संस्थाएं इंसानी अंगों का व्यापार कर रही हैं? पता लगाओ कौन कौन उन्हें खरीद रहा है, कौन कौन उन्हें डोनेट कर रहा है। ब्लड बैंक्स, आई बैंक्स, किडनी बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एनजीओस, किसी को भी छोड़ना मत। सबकी तहकीकात करो। यस सर। टीम नंबर 2, शहर में कौन कौन गुलाब बेच रहे हैं, कौन कौन खरीद रहे हैं और वो उस फूल को किस किस को दे रहे हैं उनका पता करो। उनके घर वालों का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ मुझे चाहिए। मिस्टर आनंद सर, टीम नंबर 2 को तुम लीड करोगे। ओके सर। आमतौर पर मीडिया तुमसे कुछ पूछे तो क्या जवाब देने के लिए कहा गया है? कुछ पता नहीं। अभी से उतना भी मत कहना। ओके सर। ये हुई ना बात। पहले कॉफी के लिए मना कर रही थी, अब तुम, ये कॉफी, मैं और ये हसीन मौसम। मुझे लगता था कि सब पुलिस वाले बड़ी बड़ी मूछें और ये बड़े बड़े पेट वाले होते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इतने रोमांटिक होंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रोमांटिक और हैंडसम, बढ़िया कॉम्बिनेशन। खूबसूरती और दिमाग दोनों एक ही लड़की में होना रेयर कॉम्बिनेशन। थैंक यू। अनसूया का कैमरा ऑन करो। उस दिन तो बड़े नखरे कर रही थी और आज ऑफिस से छुट्टी लेकर खुद मिलने आई। मैं भी एक नंबर की पागल हूँ ना, आपने मेरी जायदाद थोड़ी ना मांगी थी, सिर्फ एक कप कॉफी के लिए पूछा था, बस इतनी सी बात। उसके लिए मेरा इतना नाटक करना जरूरी था? नाटक तो छोड़िए, मैंने आपको पत्थर से भी मारा। She is good. काम बन जाएगा। अरे आप रो क्यों रही हैं? इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या? ये लीजिए, आपसे पूछ लीजिए। अगर मैंने मना किया था तो फिर से पूछते ना। लड़कियों की साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं ना? ना का मतलब हाँ होता है और हाँ का मतलब ना होता है। हर्षा, बेवकूफ कहेगा, कहा था ना मैंने।
वैसे अच्छा हुआ आज ही तुम कॉफी पीने आ गई, अगर कल आती ना तो मैं नहीं मिलता। क्यों, आप इतने बिजी हैं क्या? हाँ बिजी तो हूँ, बॉस ने मुझे एक नया केस सौंपा है। कौन सा केस? कोई मर्डर केस है क्या? सॉरी मैं बता नहीं सकता, प्रोफेशनल सीक्रेट। छी, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। छी। अरे तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई रोता है क्या? वैसे इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं है कि तुमसे छुपाऊं। कल शादनगर में जो खून हुआ था ना वही केस मुझे सौंपा गया है। अरे ये तो हमारे सर है। मुझे लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है। ए, थोड़ा वॉल्यूम देना। इसी तरह से कुछ दिन पहले मथुरा नगर में और जुबली हिल्स रोड नंबर 10 में भी खून हुआ है। किसने किए? पता नहीं, कोई साइको है शायद। खून करने के बाद लाश के पास एक लाल गुलाब रख देता है और लाश का एक अंग गायब कर देता है। देखा, जरा कुछ सीख लो इससे। ऐसे साइको खूनी का खुले अंग घूमना बहुत ही खतरनाक है, अगर सबको अलर्ट कर दिया जाए तो बात बन सकती है। तुमने सही कहा, और ये सारी बातें तुम प्रेस वालों को ना पता चले इसलिए मुझे पता नहीं कहने को कहा था, लेकिन आज तो पता नहीं कहने को भी ना बोल दिया। स्टूपिड फेलो। ऐसा किसने कहा आपसे? अरे हमारे 2 फुट के टिंगू बॉस ने, चूसे हुए आम की गुठली की तरह मुंह लटका के घूमता रहता है, हम पर बहुत भौंकता है, लेकिन बीवी का फोन आ जाए ना तो पतलून गीली हो जाती है। उस टिंगू को नौकरी भी उसकी पत्नी की वजह से ही मिली है। मुझे तो लगता है कि उसकी मूछें भी भाड़े की लगी हुई है। खैर मुझसे मिलने के बाद पुलिस के बारे में आपका नजरिया बदला कि नहीं? बदल गया, खास करके आपको लेकर। आनंद, एक कड़क कॉफी जैसा पुलिस वाला। आई लाइक दैट। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफिया। मुझे रोने की एक्टिंग कर रही थी, समझती क्या अपने आपको? चल रो के देखा, चल तू क्या कान के नीचे। मैंने कहा ना आई एम सॉरी, मैं अपना काम कर रही थी, नथिंग पर्सनल। नथिंग पर्सनल? मुझसे बिना पूछे मुझे शूट कर रही थी, नथिंग पर्सनल। ठीक है मैं भी दिखाता हूँ, एक रात के लिए अंदर कर दूंगा ना, कल ठिकाने आ जाएगी। चल समझती क्या, तू जानती नहीं है पुलिस वालों की ताकत, देखूंगा। हेलो अंकल। हाँ सोने से पहले लक्ष्मी को एक बार बाथरूम ले जाना बेटा। ठीक है अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट।
अंकल। अंकल अपना नाम बताइए। हेलो। ओहो शायद लाइन कट गई। अंकल कोई बात नहीं, ये लीजिए आपका गाना, एक प्यार भरा गाना दो प्यार करने वालों के नाम। अंकल ये इसको ज्यादा पेचीदा होने लगा है। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ औरतों का खून करता है, लेकिन अब उसने एक 70 साल के बुजुर्ग को मारकर उसका दिल भी निकाल लिया। आपके बताए हुलिये के मुताबिक हमने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया है, इनमें से वो कौन है जरा पहचान लीजिए। में से कोई नहीं। इन तीन शॉट्स को तुम फाइनल कर दो। ओके। अनुसुया, आई एम रियली सॉरी अबाउट जोसेफ अंकल, इट्स ओके। अनुसुया, तुमसे एक नए असाइनमेंट के बारे में बात करनी है। ओके। नेशनल हॉस्पिटल में ऑपरेशन फेल होने की वजह से एक अमीर आदमी गुजर गया, उसकी वजह से मरीज के रिश्तेदारों ने काफी हल्ला मचाया, पर असल में हुआ क्या पता नहीं। तुम अंडरकवर जाओ और पता लगाओ कि माजरा क्या है। स्टॉप, रिवाइंड। ठीक है, प्ले अगेन। बस यहां पर रुको। क्या हुआ अनुसुईया? यही है, यही है जोसेफ अंकल का कातिल। उसका नाम है गोविंद, नेशनल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। उसके पास खतरनाक हथियार हो सकते हैं, सब लोग काफी चौकन्ने रहना। वो मुझे चाहिए। आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। उसे जिंदा पकड़ो या मुर्दा, डोंट लेट हिम गो। क्या हुआ हर्षा? हर्षा उन्हें मिला कि नहीं? हर्षा सर मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ। हर्षा बताओ। मिला है सर, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। बहाने मत बनाओ, फौरन उसे गिरफ्तार कर लो या मीडिया वाले मेरा दिमाग चाट रहे हैं। ठीक है सर। हर्षा ये सब क्या है? मैंने कहा था ना सर कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इसे तुम छोटा प्रॉब्लम कहते हो? ये आदमी बिना सहारे चल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, ये आखिर क्या खून करेगा है? पुलिस वाले अंधे होकर एक अपाहिज को अरेस्ट कर रहे हैं। इसने तो कह दिया, लेकिन तुम लोगों की अकल क्या घास चली गई थी? छोड़ दो उसे। क्या कहा आप? उसे छोड़ देंगे? मुझसे सवाल मत पूछो मैडम, हमें गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। छोड़ दो उसे। सुनो, जाने दो इसे। सुना नहीं?
तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ, तुम सब पागल हो। ये खतरनाक कातिल है, इसे छोड़ना मत वरना तुम सब बहुत पछताओगे। मैडम मैडम, पुलिस का कहना है कि आपने इस अपाहिज पर खून का इल्जाम लगाया है। टीवी रिपोर्टर होते हुए भी ऐसे अपाहिज पर आरोप लगाने में आपको शर्म नहीं आती? चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए आप ये ड्रामा कर रही हैं, हमें पता है। इस केस के लिए पुलिस वाले आपके जरिए कोई चाल चल रहे हैं क्या? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर, वही आदमी असली कातिल है। स्टॉप इट अनुसुया, जो आदमी ठीक से चल फिर नहीं सकता वो इन सब का खूनी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वेयर इज योर कॉमन सेंस? अनुसुया, तुम्हारे बहादुरी पर पानी फेरने के लिए ये वजह काफी है। देखो बाकी चैनल वाले कैसे हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यकीन कीजिए सर, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती, खूनी वही है। अनुसुया, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। इस फील्ड में हमें हेडलाइंस बनानी है, हम खुद हेडलाइंस नहीं बनना चाहते। ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है, बी केयरफुल। कहा था इतना उड़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, देखा बहुत ऊंचा उड़ रही थी ना तुम, हुआ क्या? पुटुक करके एक झटके में जमीन पर गिर गई। अगर मुझसे फ्रेंडशिप करती तो ये नौबत नहीं आती। ए गोविंद, शाम को हमारे नए नर्स के घर पे पार्टी है, आएगा ना? नहीं आएगा तो मैं तेरे हिस्से का खाना खा लूंगा। Thank you.
जल्दी आओ ना। इतनी देर क्या जल्दी? आओ ना, बताता हूँ। आनंद, मुझे कहाँ ले जा रहे हो श्रीधर? सब्र तो करो, अभी दिखाता हूँ। बस पहुँच गए, बस पहुँच गए। क्या कर रहे हो श्रीधर? सरप्राइज, टंटडन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू श्रीधर। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? यहाँ जरूर कोई है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। श्रीधर, श्रीधर! तुम जाओ, ले जाओ इन्हें। लेट्स गो। ढूंढो उसे। छोड़ दे, मेरी फिक्र मत करो, मार दो इसे, मार छोड़ दो दे। सर। Hey, गोविंद, रुक जा, छोड़ उसे, नहीं, रुको, सर, शूट हिम, hey, छोड़ दो उसे, उसके बदले मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हेलो अनुसुईया। बोलो आनंद। तुम ठीक हो ना? हाँ। लक्ष्मी क्या कर रही है? सो रही है। उस जल्लाद ने हर्षा और जयंती को गोली मार दी, उसने तुम्हें भी देख लिया है, इसलिए वो तुम्हारा पीछा जरूर करेगा। इसलिए तुम दोनों मेरे घर आ जाओ, वहां तुम सेफ रहोगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
हर्षा और जयंती के परिवार वाले आए हुए हैं। उनकी लाशों को मैं उन्हें सौंप कर थोड़ा सा पेपर वर्क खत्म करके सीधे तुम्हारे घर आता हूँ। तब तक तुम थोड़ा सामान पैक कर लो, फिर मेरे घर चलेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो, हेलो, हेलो। बहुत थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो ना। कौन बोल रहा है? हेलो, क्या हुआ अनुसुईया? नींद नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? Who is this? हेलो आनंद। हाँ अनुसुईया। कोई मुझे घर पे बार बार फोन करके हाँ क्या आराम करने को कह रहा है। क्या? हाँ, मुझे लग रहा है ये वही है। इस बार अगर उसका फोन आया तो कम से कम 30 सेकंड तक उसे बातों में लगाए रखना। लाइन ऑन रहेगी तो मैं फोन टैप कर सकूंगा। हॉल की अलमारी में एक बंदूक है, उसे अपने पास रख लो। ओके, ठीक है, बाय। काफी देर हो गई अनुसुईया, जाओ जाकर आराम से सो जाओ। ए, मुझे पता है तू कौन है। मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, समझा? इस तरह से फोन करके डराना कायरों का काम है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। इतना दम है तुझ में? क्यों, हवा निकल गई क्या? आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। वैसे मैं तुझे बताना भूल गई कि इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर के घर पर हूँ। बाप रे बाप, तुम पुलिस ऑफिसर के घर में हो? मुझे तो पुलिस से बहुत डर लगता है।
अनुसुईया, हमने कॉल टैप कर लिया है, नंबर भी मिल गया है, तुम बिल्कुल घबराना मत, बस हम लोग वहाँ पहुँच ही रहे हैं। हमें पता चला है कि फोन तुम्हारे मोबाइल से किया जा रहा है। क्या मोबाइल कहाँ रखा है तुमने? हेलो अनुसुईया, हेलो अनुसुईया, जल्दी करो, जल्दी करो। लक्ष्मी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कंक्रीट मिक्सर में छुपकर उस खूनी का खीमा बन गया। लाश को पहचानना नामुमकिन है, मगर लाश में जो बुलेट्स मिले हैं वो आनंद के गन के ही हैं। अगर तुम इसके कपड़े देखकर ये कंफर्म करती हो कि ये वही है, तो हम इस पागल खूनी को मरावा घोषित कर सकते हैं। वो पागल सीरियल किलर मर चुका है। हे, कौन है तू? उस गोविंद को मरे एक महीना हो गया है, भूल जाओ उसे। ये मैंने क्या? ये गुलाब मैं तुम्हारे लिए लाया था, ये लो। थैंक यू, माफ कर दो ना। हाय अंकल। हाय लक्ष्मी। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ।
लो रिबन काटो एंड टडन। वाओ, सो क्यूट। ये मेरे लिए है क्या? हाँ। थैंक यू। ओके, अच्छा बताओ इसका नाम क्या रखें? लड़का है या लड़की? लड़की है। लड़की है तो भारती। वाओ, नाइस नेम। जाओ भारती के साथ खेलो। भारती। बर्फ है क्या? वहाँ है, वहाँ पर। तुम कॉफी पियोगे? हाँ हाँ, हॉट एंड स्ट्रॉंग प्लीज। ओके, सुनो मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, फिर से कहो। शट अप। अच्छा आनंद, तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ आने वाली हैं, आई क्या? आई ना, और आते ही शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ? वही, शादी कर ले, शादी कर ले। तो फिर कर लो शादी। कर तो लूँ, कोई लड़की तो पसंद आए। मतलब कोई पसंद नहीं आ रही है? मुझे तो आ गई, वो भी तो मुझे पसंद करे। किसी लड़की से पूछ के तो देखो। एक बार पूछा था एक लड़की को कॉफी के लिए। फिर क्या हुआ, वो आई? आई भी और गई भी। वो तो पुरानी बात है। तो अब क्या कहेगी वो? वो कहेगी आनंद एक अच्छी कॉफी की तरह अच्छा पति बनेगा। Cheers. ऐसे क्यों दिख रही हो? अक्षय तृतीया फिर से आ गया इसलिए? लेकिन अब मैं तुम्हारी आंख और बाल जरूर लाऊंगा। तुम उदास मत हो, आज दिन ढलने से पहले आंख और बाल आ जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए आंख ले आऊंगा। ऑपरेशन को कितने दिन हो चुके हैं? तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं डॉक्टर। ड्रॉप्स इस्तेमाल करती हो ना? यस डॉक्टर। कंप्यूटर पर बहुत काम करती हो ना? हाँ डॉक्टर। आई ड्रॉप्स चेंज करना होगा, मैं दूसरा लिख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बताओ, आइसक्रीम खाओगी या पिक्चर देखोगी? मुझे दोनों चाहिए। नहीं बेटा, सिर्फ एक। दोनों चाहिए। एक सेकंड। पानी पियोगी? नहीं। सीरियल किलर गोविंद समझकर किसी और को मार दिया, ये क्या बकवास है? हाँ सर, उससे गलती हो गई। गोविंद को इसी ने गोली मारी थी ना, इसे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? जहाँ तक मुझे पता है ऐसा तो कुछ नहीं है। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर FIR दर्ज करो और कल कोर्ट में पेश करना। सर लेकिन 3 दिन तो कोर्ट बंद है। तो फिर रिमांड में भेज दो। सर 3 दिन पुलिस स्टेशन में, वो भी बच्ची के साथ। हाँ तो क्या घर ले जाओगे इसे? हाँ सर, मंडे मैं इसे कोर्ट में ले आऊंगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें कोर्ट में पेश करूंगा। ठीक है सर, याद रखना।
चलो 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 चलो, घर चलने का वक्त हो गया। हे लक्ष्मी, जानती हो घर पे एक सरप्राइज है, चलो चलो चलो, कम ऑन। हे लक्ष्मी, इतना घबराओ मत, चलो मुस्कुरा दो। तुम्हारे लिए घर पे ढेर सारे खिलौने लाया हूँ मैं। हाँ, दो मिनट जरा यहाँ रुको, मैं कार लेकर आता हूँ, ठीक है? माँ तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है, मेरे घर चलते हैं। तुम्हारे घर नहीं, मेरे घर चलते हैं। ये भी ठीक है, फिर घर आए हुए किसी पेपर वाले या दूध वाले को वो दरिंदा गोविंद समझ के चाकू मार देना। ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अभी भी जिंदा है। ओहो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कैसे मुमकिन है? जो आदमी मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है? चलो अब छोड़ो सब, चलो मेरे घर। सॉरी। अरे तुम्हारी समझ नहीं आ रहा क्या? मैं अपनी नौकरी खतरे में डाल के तुम्हें बाहर लाया हूँ, जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये सब तुम किस लिए कर रहे हो? मैंने कहा था क्या? ये बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहां प्यार होता है वहां भरोसा भी होना चाहिए। सो जाओ। अनुसुया, तुम जेल चली जाओगी ना? मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर तुम जेल चली जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देखा, हर चैनल में सिर्फ तुम्हारी ही हेडलाइंस है। सोमवार को कोर्ट में हाजिर होने वाली एनटीवी रिपोर्टर अनुसुया, जेमिनी न्यूज। वो सीरियल किलर गोविंद अगर जिंदा है तो पहले अनुसुया ने किसे मारा? ईटीवी 2। अनुसुया ने जिसको चाकू मारा वो गोविंद नहीं, कोई अस्थमा पेशेंट था। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। टीवी 9। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हम हेडलाइंस बनाना चाहते हैं, खुद हेडलाइंस नहीं बनना चाहते। सर वो अभी भी जिंदा है, मेरा यकीन कीजिए। प्लीज, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह हमने किसी और को अपॉइंट कर लिया, मंडे से ज्वाइन करेंगे। इन दो दिनों में अपना बैलेंस बुक कंप्लीट करके अपनी सैलरी ले जाना। हेलो अनुसुया, अनुसुया ये तूने क्या किया? कहा था कि उड़ो नहीं, फिर भी उड़ चली, पके हुए पत्ते की तरह नीचे गिर गई। अब कितना भी उड़ना चाहे फिर भी नहीं उड़ पाएगी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मैंने कहा था तुमसे कि मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन तुम हो कि मेरी दोस्ती को ठुकराती रही। कर ली होती तो ये नौबत नहीं आती, क्या करोगी अब? सिर पे बिजली गिरने के लिए एक ही सेकंड काफी है, और मेरे पास तो अभी 48 घंटे बचे हैं। कुछ समझ में आया उसने क्या कहा? समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सर पे कुछ गिरने वाला है। मेरी राय में आप एक हेलमेट खरीद लीजिए। फोन डायल करूं? आई किटी। अनुसुया, हाय, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए? हाँ जरूर अनुसुया, बोलो ना क्या हुआ। मुझे उस गोविंद की फाइल चाहिए, मेरे पास ही है। हाँ ये लो। पांच खून, जिस्म के पांच हिस्से गायब। क्यों क्यों, क्या राज है? क्या हुआ, तुम भी मुझे पागल ही समझ रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो क्या करना है। उस कमीने को पकड़ना है, उसका मकसद जानना है, आखिर इन सब के खून क्यों किए, इन सब के अंगों को लेकर वो करता क्या है। वो क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाल ही में मुझे इसका पति मिला। इसकी किडनी खराब हो गई थी तो इसे नई किडनी लगवाई थी। वो कमीना गोविंद उसी किडनी को लेकर भाग गया। ऑपरेशन के लिए उसने पोल्ट्री फार्म भी बेच दिया था, पर अब तो उसकी बीवी भी गई और फार्म भी गया। क्या कहा, इसकी ये किडनी किसी और की है? हाँ बिल्कुल, किडनी फ्री में आई, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा आया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि मैं अगर पोल्ट्री फार्म दूंगा तो ही वो ऑपरेशन करेंगे। पोल्ट्री फार्म के बदले ऑपरेशन किया? अजीब है, कौन सा अस्पताल है? वही नेशनल हॉस्पिटल। नेशनल हॉस्पिटल? हॉस्पिटलों में तो ऐसे घोटाले आम बात है। कौन से घोटाले? क्या आपको इस बारे में नहीं पता? एक इंसान का ऑपरेशन करके उसे नई आंख लगाते हैं, फिर उसी का खून करके उसकी आंख दूसरे को लगा देते हैं। ये घोटाला नहीं तो और क्या है मैडम? मेरी आपसे गुजारिश है मैडम,
किसी भी तरह उस नेशनल हॉस्पिटल का पर्दाफाश कीजिए। नेशनल हॉस्पिटल? हाँ वही हॉस्पिटल, मेरी बीवी का ऑपरेशन वही तो हुआ था। आपकी बहन का ऑपरेशन कौन से अस्पताल में हुआ था? नेशनल हॉस्पिटल में हुआ था। आपकी बेटी का किडनी ऑपरेशन नेशनल हॉस्पिटल में हुआ था? हाँ वही हुआ था। हमारे सवाल का जवाब यही मिलेगा, उस गोविंद के शिकार 5 में से 4 लोग इसी अस्पताल के मरीज थे। ताज्जुब की बात है, वो गोविंद यही काम करता है। हाँ तो हमें इन 5 लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। वो मैं नहीं दे सकती। जो बोलना है जल्दी बोल दीजिए। ओ मीडिया वाली हो क्या? मतलब कैमरा दिखा के हमें डराओगी क्या? देखो ये हॉस्पिटल किसका है पता है? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के रिश्तेदार का। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तुम्हें क्या चाहिए? पेशेंट रिकॉर्ड्स। पेशेंट का नाम बताना। तुलसीराम प्रकाश। बेनूरी प्रभावती। कल्याणी मलिक। जोसेफ कुरियन। के लता। इन सबको अंक किसने डोनेट किए हैं? वो लोग इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? मुझे इन सब के बारे में जानना है, कम से कम एक के बारे में। अजीब बात है, इन सब में जिसके अंग लगे हैं वो एक ही के हैं। क्या? सच, इन 5 के शरीर में एक ही इंसान के अंग लगे हैं। एक ही इंसान? कौन है वो? यहाँ पर राजा राम और पूजा रहते थे। रहते थे पर घर खाली करके चले गए। कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता। सुनिए यहाँ पर राजा राम जी रहते थे पता है? हाँ रहते थे। वो लोग अब कहाँ रहते हैं? नहीं पता। सुनो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास मिलना। इस गांव में राजा राम और पूजा के बारे में आपको कोई नहीं बताएंगे। तुम पूजा को जानती थी? पूजा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। पूजा की मौत कैसे हुई? मैं और पूजा केजी से लेकर 12th तक साथ में पढ़े थे, हम दोनों को एक ही कॉलेज में मेडिकल सीट भी मिली थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम दोनों का एक ही सेक्शन होता तो हाँ अच्छा होता। ठीक है लंच ब्रेक में मिलेंगे। ओके बाय बाय। कॉलेज के पहले ही दिन पूजा एनाटॉमी प्रोफेसर अमर की नजरों में आ गई। एक बॉडी को काट के जांच करने से पहले तुम सबको ये बात जानना जरूरी है कि उस बॉडी को आगे की जांच के लिए कैसे बचा कर रखना चाहिए। उस बॉडी को सर तुम्हारा ही है, क्लास में गिर गया था। थैंक यू। लगता है तुम्हें गुलाब पसंद है। हाँ सर। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? नहीं सर। तुम फिर आओगी? हाँ तुम जरूर आओगी और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
गुलाब जैसी नाजुक कोमल पूजा को मेरा प्यार भरा नजराना। आई लव यू पूजा। और उसके अगले दिन 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम। एक दूजे के लिए 30 बार देख चुका हूँ, उसका क्लाइमेक्स बहुत पसंद है। क्या तुमने देखी? बहुत बार देखी है। कमल हसन के लिए? नहीं, इस गाने के लिए। ओ, ये गाना इतना पसंद है? गुलाब मिला के नहीं? तो थैंक्स नहीं बोलोगी? थैंक यू। हो जा। बालों में गुलाब नहीं लगा? सर में दर्द है ना इसीलिए। एक दिन मुझे पूजा ने बताया कि प्रोफेसर अमर उसे अपनी घटिया हरकतों से परेशान कर रहा है। डरो मत पूजा, हम उसकी कंप्लेंट डीन से करेंगे। नहीं नहीं, जाने दे। अगर तुम चुप बैठोगी तो वो और ज्यादा करने लगेगा। कल्पना, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, इसलिए रहने दे। उसकी ये वजह सुन के मैं भी कुछ नहीं कर पाई। रात भर सो नहीं पाया, हम दोनों के बारे में सोच रहा था। कहां मिले थे? ठीक 1:15 बजे मुझे पता चला हम दोनों का रिश्ता इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का, बल्कि उससे भी पहले जन्म का, सदियों पुराना रिश्ता है हमारा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? कैसे यकीन होगा, कहां पैदा हुआ, कहां पला बड़ा, और किसी से प्यार नहीं किया, बस तुम्हारे इंतजार में था। तुम्हें भी मेरा ही इंतजार था ना? हाँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और को चाहती हो? कहीं वो कमल हसन तो नहीं है ना? इतना घबरा क्यों रही है? सर दर्द कम हुआ कि नहीं? कम हुआ सर। समथिंग इज रॉन्ग। रुको, चेक करता हूं। उस तरफ घूमो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, घूमो। किसके बारे में बात कर रहे हो पता है? देखो, अमर इस कॉलेज के सबसे बेस्ट प्रोफेसर हैं। आज तक उनके करियर में किसी ने उनकी कंप्लेन नहीं की। मतलब आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब झूठ वूट छोड़ो, पहले तुम खुद ऐसे कपड़े पहनना बंद करो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पर मैम, देखो इस कॉलेज की एक रेपुटेशन है, अपनी इन बकवास बातों से उसे बर्बाद मत करो, समझी? अब जाओ यहाँ से। एक दिन नेशनल हॉस्पिटल वालों ने हमारे कॉलेज में ऑर्गन डोनेशन कैंप लगाया। उन्होंने बताया कि मरने के बाद हमारे शरीर के मुख्य अंग जरूरतमंद लोगों की जान बचा सकते हैं। ये बात सुनकर पूजा बहुत प्रभावित हुई और अपने शरीर के अंग को दान करने का फैसला किया। थैंक्स। दिमाग खराब हो गया क्या? अगर खास चढ़ने गई है तुम्हारी, अपनी आंखें दान कर दी। आंखें दान करने से क्या होता है पता है? अगले जन्म में तुम अंधी पैदा होगी। दिल भी दान कर दिया? अरे दिल नहीं होगा तो क्या होगा पता है? अगले जन्म में मुझे अपने दिल में कैसे बसाओगी? मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ, कहां जाऊंगा मैं? मेरे होते हुए ऐसी गलती तुम हरगिज नहीं करोगी। जम जम का रिश्ता है हमारा, इसे भूलना मत। तुम्हारे शरीर के अंग अंग पर मेरा अधिकार है, याद रखना। जाओ, अपना नाम वापस ले लो। नहीं लूंगी। क्यों नहीं लोगी? नाम वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सुना तुम्हें?
बुद्धि से पहले कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? आज मैं काली माँ के मंदिर गया था, माँ ने क्या कहा पता है तुम्हें? अरे मेरे पागल बच्चे, साल में एक ही बार अक्षय तृतीया आता है, उस दिन किसी भी तरह पूजा से शादी कर लेना, तुम दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता बन जाएगा। मैंने हमारी शादी के लिए सब कुछ ले लिया, मंगलसूत्र, हमारे लिए नए कपड़े, हनीमून के लिए टिकट्स भी बुक कर ली। मारो इसे, मारो, लड़की को शेर मारो। सब हादसों की वजह से पूजा बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए डीन ने उसे कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया। पापा। हे पूजा, ऐसे अचानक कैसे आ गई? आपसे मिलने। हाँ, तुम कैसी हो बेटा, ठीक हो? ओके पूजा, बाय बाय। अरे बेटा तुम अचानक कैसे आ गई? कुछ दिनों के लिए छुट्टी है मम्मा, आपसे मिलने का मन किया तो आ गई। ठीक है ठीक है, तू नहा के फ्रेश हो जा। अरे इसके लिए कुछ बना दो, थक के आई है मेरी बेटी। कैसी हो पूजा? तुमसे बिना मिले मैं कैसे रह सकता हूँ? रुक जा पूजा, रुक जा, मेरी बात सुनो पहले। पूजा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पूजा, क्या हुआ बेटे? पूजा ने क्या हुआ मुझे बता। तृतीया का शुभ दिन है तो मैं अरे तुम हो कौन, पागल हो गए हो क्या, क्यों मार रहे हो तुम? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, हैं? क्या चाहिए क्या तुम्हें, हैं? अरे क्या हो गया है तुझे, क्या चाहता क्या है तू, हैं? छोड़ दे मेरी बेटी को, हम सबको छोड़ दे। Hey, प्रोफेसर हूँ मैं, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर। तेरी बेटी से प्यार करता हूँ मैं, इससे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या कमी है मुझमें? हाँ, क्या कमी है मुझमें? मिलेगा तुम लोगों को मेरे जैसा दामाद मिलेगा क्या? अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आज अक्षय तृतीया है, शादी करेंगे तो शुभ है और साथ खुदकुशी करेंगे तो भी शुभ है। साथ में मरेंगे तो अगले जन्म साथ ही पैदा होंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, अगले जन्म में हम दोनों की शादी जरूर होगी।
अगले जन्म में हम दोनों की शादी जरूर होगी। अगले जन्म में हम दोनों की शादी जरूर होगी। अगले जन्म में हम दोनों की शादी जरूर होगी। पूजा, I love you. कम से कम अगले जन्म में मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाना, तभी हम दोनों साथ में जी सकते हैं। मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा तुझे? देखा, अब तुम्हारी वजह से हमारी प्रेम कहानी का भी कितना दुखद अंत हो रहा है। ए, कहाँ गया वो? पूजा की जान बचाने के लिए उसे नेशनल हॉस्पिटल लेकर गए थे। आप यही रुके सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। नहीं नहीं, आपको यही रुकना पड़ेगा। राजा राम जी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी बेटी अब कैसी है डॉक्टर? हमने बहुत कोशिश की, शॉक एंड ट्रॉमा की वजह से हम उसे। आप क्या कहना चाहते हैं? पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। पूजा ने ये फैसला किया था कि मरने के बाद वो अपने शरीर के अंगों को जरूरतमंदों को दान करेगी। क्या कह रहे हैं? उसके अंग जरूरतमंद मरीजों के काम आने के लिए उनका जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। जल्दी कीजिए ताकि हम फैसला ले सकें। ड्रेसिंग के बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। आज तो पीने का इंतजाम हो गया है। अरे ये क्या, लाश कहाँ पर है? अभी तो यहीं थी। ए नरसिंह, ये ऑपरेशन थिएटर से लाश गायब हो गई है। लाश का क्या हुआ अनुसुईया? लाश का क्या हुआ? मेरे ख्याल से लाश को वही ले गया होगा। My God, मतलब उस लाश को अपने पास रखकर उसके दान किए हुए सारे अंगों को फिर से इकट्ठा कर रहा है। बाप रे बाप, ये सब क्या है? उस लड़की को भेजे हुए कार्ड्स और गिफ्ट्स। ये गाना तो मैंने कहीं सुना है। आपने घर पे ही सुना होगा, एक मशहूर फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग है। कहाँ सुना था? इस फिल्म का यही गाना सुनना है। और आप किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? पूजा को। और किस लिए डेडिकेट करेंगे? पूजा को ये गाना पसंद है और पूजा मुझे पसंद है। वाह बढ़िया, अपना नाम बताइए। हेलो, ओहो शायद लाइन कट गई, कोई बात नहीं, ये लीजिए आपका गाना, एक प्यार भरा गाना दो प्यार करने वालों के नाम। अंकल, यस, ये गाना रेडियो मिर्ची पर सुना था। तो उस दिन उसने ये गाना पूजा को डेडिकेट करने के लिए कहा था। पर इस गाने का गोविंद से क्या लेना देना? यही पता करना है, कातिल कितना भी माहिर हो एक छोटा सा सुराग छोड़ जाता है और वही सुराग ढूंढना है। एनीवे, तुम फटाफट रेडियो मिर्ची ऑफिस जाकर उस गाने की फरमाइश किसने की है पता लगाओ। ठीक है, चलती हूँ, बाय। तुम कहाँ जा रही हो? पूजा के बॉडी ऑर्गन्स को 7 लोगों में लगाया है, उनमें से 5 लोगों को वो मार चुका है।
बचे हुए दोनों को बचाने जा रही हूँ। ये जो हेडलाइन है, हाँ जी, इसको कल खतरनाक कहानी है बॉस, ये सच है क्या? वही पता लगाने के लिए इस पर नजर रखो। फिर आप क्या करेंगे? तेरा सर फोड़ूंगा गधा कहीं का, चल जा। कौन सा हॉस्पिटल? नेशनल हॉस्पिटल। कौन सा महीना है, कुछ आइडिया है? मार्च। नेशनल हॉस्पिटल वालों ने उस महीने में एक ही डोनर के बाल भेजे थे। उस डोनर का नाम पूजा है क्या? हाँ, ए पूजा, डॉटर ऑफ ए राजा। उनसे विग बनाई गई। विग? हाँ हाँ, हमारे एनजीओ का यही तो काम है, लोगों के दान किए हुए बालों से विग बनाकर उन्हें हम जरूरतमंद कैंसर पेशेंट्स को दान करते हैं। बता सकते हैं पूजा के बालों से जो विग बनी है वो किसे दान दी है? आयुष्यो, आपने ये गाना इन तारीखों पर प्ले किया था? हाँ मैडम, आप ही देख लीजिए। हाँ किटी, तुझे एक बात बताऊं, ताज्जुब होगा, पिछले साल ये गाना 8 बार प्ले किया गया है और उसमें से 5 बार उन्हीं तारीखों पर जिस पर खून हुआ था। क्या? वो भी खून के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही प्ले किया गया था। पूजा नाम की लड़की के लिए गाना डेडिकेट करने के लिए फोन आता है पर कॉलर नाम नहीं बताता और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वो कॉल्स किस नंबर से आए थे पता करो। क्या फोन नंबर मिला? नहीं मिला, इन लोगों के पास आखिरी 20 इनकमिंग नंबर्स ही स्टोर रहते हैं। सिर्फ आखिरी 20 नंबर्स? और उस गाने को रिक्वेस्ट करके भी काफी दिन हो गए हैं। हेलो हेलो अनसुया, हेलो हेलो, सुनो डांसर चांदनी कहाँ है? वहाँ ग्रीन रूम है। थैंक यू। ए, वो मेरा है, क्या कर रही है? Shut up! पूजा को ये गाना पसंद है और मुझे पूजा पसंद है। तो ये लीजिए आपका गाना पूजा के नाम। बोलो अनसुईया, अभी भी उसने उस गाने के लिए रेडियो मिर्च में कॉल किया है। वो गाना इस वक्त रेडियो पर बज रहा है, तुम जल्दी से जल्दी उस नंबर का पता लगाओ। ओके प्लीज क्विक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कट इट। हेलो, कहाँ पर है गधे? मैं रेडियो मिर्ची ऑफिस के सामने मिर्ची भजिया खा रहा हूँ बॉस। तेरी तो। अनुसुईया कहाँ है? उसका पीछा कर रहा है कि नहीं? अब मैं क्या करूँ, वो मेरे साथ अंदर बाहर खेल रही है बॉस।
हाय आनंद। उस कॉन्क्रीट मिक्सर में जो लाश मिली थी वो गोविंद की थी, ये तेरी रिपोर्ट थी ना? क्या, मैंने कब ऐसी रिपोर्ट दी? हाँ, तुम लोगों ने अनुसुया को बुला के उस कॉन्क्रीट मिक्सर में मिले कपड़े और चश्मा दिखाकर जल्दबाजी में ये डिसाइड कर लिया कि वो गोविंद की ही लाश थी। डीएनए, डीएनए रिपोर्ट्स कहाँ है? क्या तुम लोगों ने मुझे डीएनए टेस्ट करने भी दिया? ऊपर से दबाव है, ऊपर से प्रेशर है, ऐसा बोल बोलकर उस कातिल गोविंद का केस ही क्लोज करवा दिया। ए, कहना क्या चाहते हो? उस कॉन्क्रीट मिक्सर में मिली लाश में से दो दो डीएनए सैंपल्स मिले हैं। क्या? उस दिन हमें उस बॉडी में से तीन बुलेट्स मिले थे, उस बुलेट से मिला खून और तुम्हारे घर पे मिला खून, दोनों के डीएनए सैंपल्स एक ही हैं। मेरा मतलब वो दोनों डीएनए सैंपल्स एक ही इंसान के हैं, लेकिन उस मिक्सर में मिली बॉडी का डीएनए सैंपल अलग है, मतलब वो सीरियल किलर गोविंद अभी भी जिंदा है। ओह माय गॉड। नंबर बताइए मैम। 9849398493468889। सॉरी मैडम, हम डिटेल्स नहीं दे सकते। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, पूजा की आंख किसे डोनेट की गई ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी आंख जिसे भी लगी है उसकी जान खतरे में है। देखिए मैडम, आप मुझे परेशान मत कीजिए, इस केस की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। उस ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की वजह से उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया? कौन है वो डॉक्टर? अभी आपको एड्रेस देती हूँ। थैंक यू। उस गोविंद का एड्रेस है ना, अब मैं दिखाता हूँ। सुनो, उस ऑफिसर आनंद को फोन लगा। ओके बॉस। अनुसुया, तू तो गई काम से। सर, डॉक्टर मोहनदास कहाँ है? वो अंदर पेशेंट को चेक कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। मैडम, मैडम, मैडम। डॉक्टर मोहनदास जी। हेलो अनुसुईया जी, यहाँ कैसे आना हुआ? कम समय में बहुत मशहूर हो गई हैं आप। अच्छा, वो लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी आप जानते हैं? अच्छी तरह जानता हूँ, होम मिनिस्टर के घर से बचाकर उसे आपने अपने पास रखा था। लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? अरे कैसे नहीं जानूंगा, खेलते वक्त गलती से आंख में लकड़ी घुस जाने की वजह से वो बच्ची अंधी होने वाली थी। उस वक्त मैंने उस अनाथ बच्ची पर तरस खाकर किसी बुढ़िया को लगने वाली आंख मैंने उस मासूम बच्ची को लगा दी, और इसी वजह से मुझे नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। यानी वो आंख लक्ष्मी को? माय गॉड, लक्ष्मी, 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 काकी कहाँ है आप? मैम साहब, क्या हुआ? लक्ष्मी कहाँ है? यही कहीं कुत्ते के साथ खेल रही होगी। खेल रही है? बाहर होगी। भाती, भाती, लक्ष्मी, 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 क्या हुआ मैम साहब? कहाँ है लक्ष्मी? लक्ष्मी अभी अभी तो यही खेल रही है। लक्ष्मी, भाती, भाती रुको, भाती। लक्ष्मी, लक्ष्मी। अनुसुईया सही कह रही है सर, वो हत्यारा गोविंद जिंदा है, कॉन्क्रीट मिक्सर से मिली लाश उसकी नहीं है। वो तो मुझे भी पता है, हम लोग उसे ही तो पकड़ने जा रहे हैं। और हाँ, तुम एक काम करो, उस अनुसुईया को अरेस्ट करके अपने ऑफिस में बिठा देना, वरना वो गोविंद उसकी भी जान ले लेगा। आनंद, 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 अनुसुईया, वो लक्ष्मी को ले गया। कब? वही खूनी गोविंद। रिलैक्स रिलैक्स, लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, गोविंद को पकड़ने के लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। मुझे भी जाना है, मुझे जाने दो। सुनो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, प्लीज समझने की कोशिश करो। रोना बंद करो अनुसुईया और बात को समझो। आई कांट लेट यू गो अनुसुईया, जिसको तुमने चाकू मारा था उसकी हालत नासाज है। क्या वहां उस बच्ची की जान जा रही है और तुम मुझे यहीं रोकना? रुको, रुको अनुसुईया, अनुसुईया, मेरी बात सुनो, भरोसा रखो, रिलैक्स, रिलैक्स अनुसुईया, मैं लक्ष्मी को
कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ, मुझ पर यकीन करो, ठीक है अनुसुईया? ओके प्लीज रिलैक्स नाउ। अनुसुईया उससे कम से कम 30 सेकंड बात करनी होगी। नंबर क्या है? 9849346889 9849346889। It's ringing. वो मेरी आवाज पहचान लेगा। किची तुम बात करो। हेलो। हेलो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रही हूँ। हमारे सेकंड एनिवर्सरी के मौके पर आप जैसे कुछ रेगुलर कॉलर्स के नंबर सेलेक्ट किए गए हैं लकी ड्रॉ के थ्रू, तो कंग्रेचुलेशंस, आप हमारे ग्रैंड लकी विनर हैं। आप अपना एड्रेस बताएंगे तो बाकी की डिटेल्स आपके घर हम कुरियर कर देंगे। इसमें आपने जीता है वेरी एक्सपेंसिव पेड 4 days 3 nights स्टे इन सिंगापुर कपल के लिए। हेलो सर, आप अपना एड्रेस बताएंगे? हेलो सर, आप सुन रहे सर? हेलो सर, एड्रेस बताएंगे प्लीज? कट कर दिया। पता चल गया। सबको चौंकाने वाला राज बताकर आज ये चक्रवर्ती हीरो बन जाएगा। और मैं क्या बनूंगा बॉस? कबाब में हड्डी। अब एक बात सुन, तुरंत ऑफिस फोन लगाकर लाइव कनेक्शन ले ले। किस लिए? नंबर वन रिपोर्टर चक्रवर्ती बहुत मेहनत करके, अपना पसीना बहा के और अपनी जान पर खेल कर ये साबित करके रहेगा कि वो कातिल अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। जाओ गो। देखिए वो जो दीवार आप देख रहे हैं उसके पीछे एक खौफनाक कातिल छुपा हुआ है। रिमोट को हाथ मत लगाइए, चैनल चेंज मत कीजिए, साथ रहिए, स्टे ट्यून्ड। फिलहाल तो यहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद सीरियल किलर गोविंद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हे गोविंद कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं किसी गोविंद को नहीं जानता। सर यहाँ कोई भी नहीं है, चक्रवर्ती ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी। क्या? वेलकम बैक। फिलहाल तो यहाँ पर अब भी घनघोर सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं ऑफिसर्स बाहर आ चुके हैं। इन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि इन्हें मिशन में कामयाबी मिल गई है। शायद हत्यारे गोविंद को कोई हथकड़ी पहना रहा होगा। ए चक्रवर्ती, अबे हुआ क्या? शायद उस गोविंद का एड्रेस गलत मिला होगा, इसके आपको गोली मार रहा है सर। क्या? अबे चल भाग यहाँ से, चल निकल। सर फोन कीजिए, फोन क्यों चाहिए? ऑफिस में फोन करके हेडलाइन चेंज करवा देता हूँ। क्या हुआ? मुझे देखकर डर लग रहा है, पर पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत हैंडसम था, इसीलिए पूजा मुझसे प्यार करती थी, पता है तुझे? पूजा के मरने के बाद उसकी आंख, उसका दिल, उसके सारे अंगों को दान कर दिया। अगर इन सब के बिना पूजा को दफनाएंगे तो पूजा फिर से कैसे पैदा होगी? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, क्या ये बात जानती है तू? उन अंगों के बिना अगले जन्म में मैं पूजा से कैसे मिलूंगा? हाँ, इकट्ठा कर लिया, पूजा के सारे अंगों को इकट्ठा कर लिया, पर बस इस आंख की कमी रह गई। ये आंख निकालकर पूजा के बाकी अंगों के साथ उसके शरीर में मिला के पूजा को दफनाऊंगा। पूजा के साथ साथ खुद को भी दफनाऊंगा। मार दिया, सबको मार दिया, लेकिन तुझे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पूजा को और मुझे
बच्चे बहुत पसंद है। देखो इस इंजेक्शन से तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ ये आंख लेकर मैं तुझे छोड़ दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अच्छा तुझे ठीक से दिख रहा है ना? एक आंख से ठीक से दिख रहा है ना? काफी है तेरे लिए, एक आंख काफी है।
तुझे कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, सिर्फ आंख निकाल कर छोड़ दूंगा तुझे, कहा था ना, तो चिल्ला क्यों रही है?
वेलकम बैक। अजैन टीवी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। उस वैश्य सीरियल किलर गोविंद को जिस अनुसुईया ने खत्म किया, वो आज अजैन टीवी की चीफ रिपोर्टर बन गई है। अनुसुईया, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। सीरियल किलर गोविंद एक बुरे सपने की तरह था। वो एक पढ़ा लिखा राक्षस था, एक वैश्य। अक्षय तृतीया के दिन अपनी प्रेमिका के साथ मरने से उसे वही प्रेमिका अगले जन्म में वापस मिलेगी, ये मनगढ़ंत बात उसने सड़क पर पढ़ी किसी किताब में पढ़ी, जो कि सिर्फ कल्पना है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसे अंधविश्वास से जितना हो सके उतना दूर रहें। और एक बात, अंग दान करना एक पुण्य का काम है। रक्तदान करें, अंग दान भी करें, उन जरूरतमंदों की मदद करके उनकी जिंदगी में खुशियां बांटें। नमस्ते।